नमस्कार, मैं आयशा शेख, यूनिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कल अर्थ संकल्प बजट अर्थ मंत्री द्वारा पेश किया गया। बजट में व्यापारियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया, जिससे व्यापारियों ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमंत गांधी ने यूनिटी से बातचीत के दौरान हुए बजट पर अपनी बात रखी और व्यापारियों की स्थितियों की जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया गया है, हमारे साथ में नाग विदर्भ चेंबर के हेमंत जी गांधी हैं अध्यक्ष, जो बताएंगे। आज विदर्भ को ऐसा कुछ मिला नहीं है और व्यापारी इसमें निराशा व्यक्त कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ में आज हेमंत जी गांधी बताएंगे। आज बजट प्रस्तुत किया सम्माननीय अर्थमंत्री जी ने। बजट जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के पहले का ये आखिरी बजट है, जनरल इलेक्शन के पहले का, तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये बजट व्यापारियों को, सामान्य जनता के लिए काफ़ी राहत प्रदान करने वाला बजट रहेगा। लेकिन हम लोगों की थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल टैक्स के, इनकम टैक्स की मर्यादा उन्होंने बढ़ाई नहीं है, 2.5 लाख की 2.5 लाख एज इट इज़ रखी है। दूसरा, व्यापारी समुदाय के लिए, मैं व्यापारी समुदाय का अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए व्यापारियों के लिए पहले बात करूँगा। व्यापारी समुदाय के लिए एक भी ऐसी राहत देने वाली घोषणा नहीं हुई है आज के बजट में। दूसरा, किसानों के लिए काफ़ी उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनीज़ के लिए जो एक स्कीम उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि किसानों को राहत देने के नाम पे कॉरपोरेट कंपनीज़ के लिए तो नहीं राहत जा रही है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनीज़ को दी हुई राहत किसानों तक कितनी पहुँचेगी, ये देखने की वाली बात है। पिछले साल से उन्होंने यूनियन बजट के साथ में रेल बजट को क्लब किया है, तो हमको लग रहा था कि आज के बजट में विदर्भ के लिए रेलवे से संबंधित भी काफ़ी अच्छी घोषणाएं होगी, लेकिन उसमें भी पूरे विदर्भवासियों को निराश किया है, कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन और हेल्थ सेस के नाम पे आज तक जो 3% लिया जाता था, उसको इन्होंने 1% बढ़ा के 4% कर दिया। आज तक ये सेस में आया हुआ पैसा कितना आया और उसका डिसबर्समेंट किस तरीके से हुआ, इसका देश के जनता को कोई हिसाब नहीं दिया गया है, और ये न देते हुए इसको 3% से 4% पे बढ़ा दिया है। तो ये सब देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि, और आज से सबसे इम्पोर्टेंट ई वे बिल जीएसटी काउंसिल ने शुरू किया है, इंटर स्टेट ई वे बिल। हमारी व्यापारी एसोसिएशंस की शुरुआत से मांग रही है कि इंटर स्टेट के साथ में 1 मई से इंट्रा स्टेट ई वे बिल भी लगने वाला है, तो इंट्रा स्टेट ई वे बिल ना लगाया जाए, ये हमारी शुरुआत से डिमांड रही है। उसके साथ में ई वे बिल के लिए जो 50,000 रुपये की इन्होंने मर्यादा रखी है बिल अमाउंट की, वो भी 50,000 की मर्यादा टैक्स मिला के 50,000 है, तो वो मर्यादा इन्होंने 5 लाख तक करना चाहिए, ये हमारी शुरुआत से डिमांड रही है। लेकिन उस ओर जेटली जी ने बिल्कुल ध्यान न देते हुए उसका जिक्र भी आज के बजट में नहीं किया है, इसलिए ओवरऑल हमको ऐसा लगता है कि आज का बजट व्यापारी समुदाय के लिए निराशाजनक बजट। जैसा देखा जाता है कि 2019 में अभी आने वाले चुनाव के दौरान ये अभी जो बजट दिखाया गया है और किया गया है, क्या क्या लगता है आपको इस बारे में कि आगे वाले आगामी चुनाव में क्या इनकी परिस्थिति रहेगी, क्या स्थिति रहेगी? नहीं, परिस्थिति आने वाले चुनाव में क्या रहेगी ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन GST, नोटबंदी, अभी ई वे बिल, इस वजह से व्यापारियों में, और व्यापारी अगर दुखी है तो नेचुरली उसका इफेक्ट सामान्य जनता भी गिरता है। आज के डेट में तो सब नाराज है, 2019 को अभी समय है, तो उस इलेक्शन में क्या होगा ये तो मैं आज इस सवाल का नहीं जवाब दे पाऊँगा, लेकिन आज जो व्यापारी समुदाय में नाराजी है, रियल इस्टेट सेक्टर पूरा डाउन है। आज उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि जो हर सिटी में रेडी रेकनर के रेट्स बहुत ही अट्रेंडम हुए हुए हैं, आज उन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि कहीं पर भी अगर रेडी रेकनर का रेट और एक्चुअल रेट इसमें अगर 5% का फर्क है तो वो उसको कंसीडर करेंगे, यानी जो रेट ज़्यादा है उसको लेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि नागपुर में ही बहुत सारी एरियाज ऐसी है कि जहाँ एक्चुअल जो रेट में डीलिंग्स होते हैं, सौदे होते हैं, उसका रेट और रेडी रेकनर के रेट में ऑलमोस्ट डबल का फर्क है, तो ये उन्होंने एज इट इज़ फिर से छोड़ दिया है, तो रियल इस्टेट भी उठ नहीं सकता। तो उस वजह से आज नाराजी है, आज लोग तकलीफ में है, आज व्यापारी बहुत परेशान है। 2019 में क्या इफेक्ट होगा ये मैं आज नहीं बता पाऊंगा। जैसे नाग विदर्भ चेंबर के अध्यक्ष जी हेमंत गांधी जी ने बताया कि व्यापारी में पूरी नाराजगी जताई जा रही है और इस
जो बजट जो सेशन हुआ है बजट का कुछ लाभ व्यापारी को नहीं दिया गया है, वैसे भी किसानों को भी आम जनता को भी इस बजट का कोई लाभ मिला नहीं है। तो देखना यह है कि आगे आने वाले आगामी चुनाव में भी क्या केंद्र सरकार कुछ व्यापारियों के लिए क्या अच्छी सुविधा लाती है, किसानों के लिए क्या सुविधा लाती है, और आने वाले बजट में और कौन सी सुविधा मिलती है, क्योंकि विदर्भ को आम जनता को कुछ राहत मिली नहीं है, ऐसा व्यापारी संगठन का भी कहना है, व्यापारी एसोसिएशन का भी कहना है। कैमरामैन हर्षल के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज़ नागपुर। बावनधड़ी के किसानों ने संविधान चौक पर अपनी मांगों को लेकर स्वयं के कपड़े उतार कर भाजपा सरकार का विरोध जताया। किसानों की जमीन का मुआवजा मिले इसी मांग को लेकर किसान अपने परिवार के साथ कई दिनों से भूखे प्यासे धरना दिए हुए हैं और इन किसानों की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सबकी आस इसी बात पर लगी है कि किसानों को न्याय कब मिलेगा। मुस्लिम ब्रिगेड सेना द्वारा नागपुर के संविधान चौक पर आंदोलन किया गया, जिसमें मुस्लिम ब्रिगेड सेना के अध्यक्ष सैयद सुफियाना ने मुस्लिम आरक्षण दिए जाने की मांग भाजपा सरकार से की और मुस्लिम ब्रिगेड ने जमाल सिद्दीकी पर आरएसएस एजेंट होने का आरोप लगाया। मुस्लिम समाज के कुछ बड़े नेता इसमें दलाली करते हैं बीजेपी आरएसएस की, जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है आरएसएस की तरफ से मुस्लिम समाज को बहकाने की, और इसके लिए उन्हें भारी भरकम रकम भी दी जाती है। आपके लिए तो आंदोलन किया जा रहा है, इसके अगर आपकी मांग पूरी होगी क्या करेंगे इसको? हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और पूरे महाराष्ट्र भर में। 10 और 11 फरवरी से हिंदी मोर भवन झांसी रानी चौक नागपुर स्थित तीसरी बुद्ध विहार समन्वय व परिषद का आयोजन किया गया है। बौद्ध धर्म गुरु भदंत खेम धम्मो महासवीर की अध्यक्षता में किया जाएगा। यह बात तिलक पत्रकार भवन में पत्र परिषद के दौरान अध्यक्ष प्रभाकर कुंभारे ने दी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अर्थसंकल्प बजट पेश होने के बाद विधान परिषद सदस्य प्रकाश गजबिये ने तिलक पत्रकार भवन में पत्र परिषद ली और कहा कि सिर्फ 56,000 करोड़ देकर मागास वर्गीय जनता को चुप करा दिया। भारत देश की सुरक्षा धोखे में रखकर भारत की गुप्त एवं सुरक्षा यंत्रणा कम करने का षड्यंत्र भाजपा सरकार कर रही है, यह आरोप विधायक प्रकाश गजबिये ने पत्र परिषद में लगाया। नागपुर के आमदार निवास में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले बॉलीवुड के पीआरओ राजू करिया ने पत्रकारों से मुलाकात की, जिन्होंने हिंदुस्तान में फिल्म दुनिया में एक ही दिन में 15 फिल्मों का मुहूर्त करने का भी रिकॉर्ड किया है। वह दिन 31 दिसंबर 1988 का था जिस दिन यह रिकॉर्ड राजू करिया ने स्थापित किया। करीब 45 साल से फिल्म जगत में पीआरओ का काम राजू कर रहे हैं। वे मूलतः विदर्भ के अमरावती शहर के निवासी है। किंग ऑफ सिपियन बेरार उसके ऑडिशन रखा है। ये सीपीएन बिरार की जो फिल्म बना रहे हो, ये हिंदी में है, मराठी में है, किस लैंग्वेज में? ये पिक्चर मराठी में है क्योंकि विदर्भ में मराठी ज़्यादा चलती करके। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अगर 12वीं 13वीं 14वीं पीढ़ी में अगर चले जाते हैं तो बोलते हैं कि इसके वन ऑफ द वंशज आप भी हो, ये बात कहाँ तक सच? जी, आए गोंड राजे के वंशज लास्ट वाले हम ही है, अभी चौथे पीढ़ी के आप ही चल रहे हो जी। तो आप इस सब्जेक्ट के बहुत नियरिस्ट और डियरिस्ट क्या बोलते हो कैरेक्टर। तो ये राज कब से शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? ये राज 1586 में गोंड राजा ने नागपुर शहर जो बसाया 1702 में बसाया, 1702 से 2002 तक, यानी नागपुर शहर पे 300 साल राज्य किया गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने। तो मुझे ऐसा लगा कि नागपुर शहर का इतिहास पर्दे पे क्यों नहीं आना चाहिए, सारे राजा महाराजा का इतिहास बना। नागपुर शहर एक इतिहास शहर है और गोंड राजा यानी आदिवासी ये जमात ये जन्मजात राज्यकर्ती जमात है। 1700 साल राज्य इस भूतालाव पे गोंडवाना में गोंड राज्य ने किया। आज नागपुर का जो नागपुर की स्थापना 1702 में भक्त बुलंद शाह गोंड राजे इन्होंने स्थापना की, उसका इतिहास आगे लाना चाहिए करके मैंने ये मराठी पिक्चर का निर्माण करने का ये किया। लेकिन हमने हमारे सुनने में आया कि आप पद्मावती से इंस्पायर हुए और तब आपके दिमाग में आया कि जब पद्मावती बन सकती तो गोंड राजा क्यों नहीं, ये बात कहाँ तक सच है? एकदम राइट है, पद्मावती जब बन सकती, पद्मावती का एक चित्तौड़गढ़ का इतिहास है, इसके 10 फट इतिहास हमें नागपुर में छुपा है, ये आगे लाना चाहिए।
दूसरा इससे तो प्रेरणा लिया मैंने पद्मावती से, लेकिन 2002 में नागपुर त्रिशताब्दी वर्ष महोत्सव हुआ था तो उस वक्त मैंने देखा 2002 में जब महाराष्ट्र शासन ने त्रिशताब्दी मनाया तो मुझे ऐसा लगा, उस वक्त मैंने प्रस्ताव भी रखा कि गोंड राजा जिसने नागपुर शहर निर्माण किया, उसकी स्थापना किया, जो निर्माता है उसका पुतला क्यों नहीं बैठा जाए, तो करके मैंने उसका नींव डाली, करके वो पुतला भी बैठ गया। गोंड राजा भक्त बुलंद शाह का आज जो विधान भवन के गेट पे, वो चौक पे जो पुतला विराजमान है, वो मेरी नींव है, मेरी देन है, और मेरे भाभी जो महापौर बन के आई है मायाताई यूना थे, ये सारा श्रेय उसको और देवेन भाव फडणवीस को जाता है। आपके बारे में कहा जाता है कि ये जो फ्रेम बना रहे हैं इसकी लागत करोड़ों में है जी, तो इसकी लागत जहाँ तक हमें सुनने में आई है 15 करोड़ है, तो आप अपने हिसाब से कितने इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? इसकी लागत 15 करोड़ है, 15 भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 10 भी हो सकता, हम जितना करें उतना, वो हम करने वाले हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा लगाए ऐसा चल रहा है। इसके कलाकार आप कहाँ से लेंगे, क्यों? देखिए आपको मालूम है विदर्भ ऐसा चाहिए, विदर्भ एक झाड़पट्टी एरिया है, नागपुर राजधानी है, विदर्भ में इतने तादाद में कलाकार हैं, उसके कले की जो तुम्हारे आपकी रंगभूमि है बॉम्बे वाली, वहाँ कभी उसकी कदर नहीं किया। नागपुर में विदर्भ में बड़े तादाद में कलाकार हैं, उसको एक संधि मिलना चाहिए पर्दे पे आने के लिए, उसको एक टैलेंट छुपा है, वो टैलेंट आगे लाने के लिए हमने पहले विदर्भ के कलाकार हम लेना चाहते हैं, और पहले प्राधान्य है जो टैलेंटेड कलाकार है उसको पर्दे के ऊपर लाने के लिए, हम विदर्भ के कलाकारों को पहले प्राधान्य देने की हमारी इच्छा है। थैंक यू कोई साहब, वेलकम सर। नमस्कार, मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ में है मशहूर पीआरओ, जो फिल्म जगत के जाने माने पीआरओ है, राजू कारिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी पांडे जी, मुझे ये बताइए आप फिल्म जगत में जो पीआरओ का काम संभाल रहे हैं और आपका सत्कार समारोह भी, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में, कैसा लग रहा है आपको, और फिल्म जगत के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पांडे साहब ने कहा मेरे बारे में कि कुछ मैं बताओ, तो दोस्तों बताने लायक तो मेरे पास में इतना कुछ है कि आप सुनते सुनते आपका दिन निकल जाएगा, लेकिन जो मेरे लाइफ की जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो मैं आज आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। जैसा कि मेरा नाम राजू कारिया है, मैं पिछले 45 साल से बॉलीवुड में एज ए पीआरओ काम कर रहा हूँ। अब तक के मैंने 1000 फिल्मों के करीब फिल्मों का मैंने मुहूर्त किया है, जिसमें से 650 से ऊपर मेरी फिल्में रिलीज़ हुई है, और आपको जान के सुन के ताज्जुब होगा कि 31 दिसंबर 1988 एक दिन में मैंने 16 फिल्मों का मुहूर्त किया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उस टाइम पे सारे पेपरों ने छापा था कि अमरावती का लड़का अमेरिका तक पहुँचेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो जो उस टाइम पे छपा था उस चीज़ के लिए मुझे आज 20 साल इंतज़ार करना पड़ा, और 20 साल के बाद में वो जो लिखा गया था आज मैंने वो साबित करके दिखाया, मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आ गया, मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया गया। मेरी मेहनत उसी दिन सफल हो गई जब मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड हासिल किया, लेकिन प्रेसिडेंट अवार्ड हासिल करने का ये मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम बंद कर दूँ, वहाँ से मेरी जवाबदारी और बढ़ती चले गई, और मैं आज तक के इंडस्ट्री में 3 पीढ़ी के साथ में काम कर चुका हूँ। मैंने राज कपूर जी के साथ में काम किया है, रणधीर कपूर जी के साथ में काम किया है, करिश्मा कपूर जी के साथ में काम किया है, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, मैंने कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई स्टार ऐसा बख्शा नहीं है जिसके साथ में मैंने काम ना किया हो, और ये मेरे लिए इतना काम करने के बाद में भी मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश थी कि देश का जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरुष है राष्ट्रपति, उनकी नज़रों में मैं रहूँ, और मैं उनकी नज़रों में रहा। उसके बाद में मेरा दूसरा इच्छा थी कि मुझे राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो एक बार देखे मिले, वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मेरा काम है थोड़ी सी समाज सेवा करना, जिसके लिए अब मैं बॉम्बे छोड़ के विदर्भ में बहुत जल्दी रहने आने वाला हूँ, और विदर्भ के जो भी इंटरेस्टेड कलाकार है फिल्मों के लिए, सीरियल के लिए, उनको मैं मार्गदर्शन करते रहूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, मैं किसी सुपरस्टार का, अमिताभ बच्चन का या विनोद खन्ना का शुक्रगुजार नहीं हूँ, उन्होंने मुझे स्टार पीआरओ नहीं बनाया, या मुझे किसी डायरेक्टर ने पीआरओ नहीं बनाया, मुझे पीआरओ बनने का क्रेडिट जाता है सिर्फ मीडिया को। अगर मीडिया ना होती तो आज मैं आपके सामने बात भी नहीं कर पाता। थैंक्स मीडिया, थैंक्स मीडिया, थैंक्स मीडिया।
विदर्भ के मिट्टी से जन्मे राजू कारिया जी अमरावती के प्रमुख रहने वाले हैं और वहाँ पर इस मिट्टी से आज उन्होंने मुंबई के फिल्म जगत में अपना नाम कमाया, नाम रोशन किया है। ये बहुत ही सराहनीय बात है और ऐसे कई उन्होंने अवार्ड भी जीते हैं। आज उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया गया, उन्होंने सबसे मुलाकात की और हमारे आज नागपुर के कई कलाकारों को लेकर ऑडिशन के लिए यहाँ पर नागपुर पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे ही हम राजू कारे जी से और भी कई सवाल जवाब आगे चल करेंगे, उन्हें हम अपने जो आज तो हम उनके साथ यहाँ पर उनके जहाँ ऑडिशन चल रहा है वहाँ पे उस स्थान पर हैं, लेकिन हम कारिया जी को अपने आपसे रूबरू कराएंगे अपने स्टूडियो में। देखते रहिए यूनिटी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। बहुजन हिताय संघ का तीसरा वर्धापन दिवस मनाया जा रहा है जिसमें शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान और खेत मजदूर जैसे लोगों की मदद बहुजन हिताय संघ करती है। कई विषयों पर चर्चा कर इस वर्धापन दिवस को मनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन तब तक के आप देखते रहिए यूनिटी न्यूज़। खबरें पल पल की। नमस्कार।